Hey guys, good evening. Welcome back to my channel Nature and Blog Nazia Sheikh. रात के 9 बज रहे हैं और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ. गर्मी चालू हो गई है ना? क्या मुझे ही लग रहा है गर्मी चालू हो गई है. सबसे पहले पता चलता है मुझे गर्मी बहुत गुस्सा आता है गर्मी से. तो मैं किचन में चाय पी रही थी और डिनर की तैयारी कर रही थी. सब्जी वगैरह मैंने काट ली है. तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से. फिर हम लोग बनाएंगे डिनर. ओके, बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ. कुछ खास नहीं है, बस है, ठीक है. वैसे भी मैं जो कुछ बनाती हूँ खास हो जाता है, ऐसा मेरे घर वाले बोलते हैं. आप लोग बोलोगे तब मुझे यकीन होगा. तो आज मैं बना रही हूँ फ्लावर और बटाने की भाजी. जैसे कि आप देख रहे हो, फ्लावर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसमें बटाने हैं. उसमें अभी मैं एक बटाटा ऐड करूँगी, अभी मैंने काटा नहीं है. तो अभी मैं उसमें एक बटाटा ऐड करूँगी हम लोगों को लगता है. और यहाँ पे मैंने ना 3 छोटे छोटे ऑनियन को काट के रखा है पतले पतले स्लाइसेस में. यहाँ पे मैंने 3 टमाटर को भी लिया है, सेम क्वांटिटी में ऑनियन और सेम क्वांटिटी में मैंने टमाटर लिया है. और यहाँ पे मैंने हल्दी धनिया मिर्ची निकाल के रखी है. अब आप सोचोगे कि आज मैंने हल्दी धनिया मिर्ची को ऐसे क्यों निकाल के रखा है, राइट? तो मुझे एक कमेंट आया कि आप कितनी क्वांटिटी डालते हो धनिया हल्दी मिर्ची, ज़रा बताना भाजी आप सब्जी में. तो मैं कुछ भी बनाऊँ, भाजी बनाऊँ या नॉन वेज बनाऊँ, मैं कुछ भी बनाऊँ, धनिया भी यही क्वांटिटी में रहता है, मिर्ची भी यही क्वांटिटी में रहता है और हल्दी भी यही क्वांटिटी में रहता है. तो मैं आज इसीलिए बता रही हूँ कि मेरी हर सब्जी और हर चिकन मटन जो कुछ मैं बनाती हूँ बस यही क्वांटिटी होती है. धनिया स्किप करती हूँ मैं कई कई चीज़ों में, लेकिन अगर डालूंगी तो इतना ही डालती हूँ, ठीक है. और मैं तड़के के लिए ले रही हूँ राई और कड़ी पत्ता, मेरा साउथ इंडियन तड़का, ठीक है. तो मैंने इतनी सारी चीज़ें निकाल ली है खाना पकाने के लिए. कुछ ज़्यादा मैं वो नहीं बना रही हूँ स्पेशल, सिर्फ सब्जी बना रही हूँ. तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है, तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है. तेल गरम तो हो गया है, लेकिन मैं सबसे पहले ना भाजी बनाने से पहले ये नल्ली को फ्राई करके निकालूंगी मेरी बेटी के लिए. अभी तो फिलहाल वो अपने अब्बा के साथ बाहर गई है, अभी जस्ट निकले हैं लोग. तो उन लोगों के आए तक के नल्ली पक के गरम अभी निकलेगी, तो उसके आए तक के ठंडी हो जाएंगी. तो मेरी बच्ची टाइम पास कर लेंगी थोड़ा. तो मैं डाल के देखती हूँ गरम हो गया तेल. हाँ गरम हो गया, तो मैं ये फ्राई करके निकाल लेती हूँ. उसको बहुत शौक है ये सारी चीज़ें खाने का, वो बाहर का खाती है, इसलिए मैं थोड़ा घर के अंदर ही कर देती हूँ. मैंने पहले भी बताया था ना आप लोगों को, तो मैं पहले ये निकाल लेती हूँ. हाँ जी, तो मैंने ये सारी नलियाँ निकाल दी है मेरी बेटी की, अब वो ठंडी हो जाएगी तो मैं उसको दे दूँगी. तब तक के लिए मैं यहाँ डालती हूँ अभी बघार के लिए ये मेरा राई कड़ी पत्ता, ठीक है. उसके बाद मैं डालूँगी ये अपना ऑनियन, ठीक है. और इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक के पकाना है, ठीक है. सॉफ्ट करना है, लाल नहीं करना. तो ऑनियन अभी हो गया सॉफ्ट, अब मैं उसमें डाल दूंगी अपना हल्दी धनिया मिर्ची, ठीक है. मैंने ये हल्दी धनिया मिर्ची इतना ही डालती हूँ, समझ लो मैंने ये भाजी पाव किलो भाजी है, मतलब फ्लावर पाव किलो और पाव किलो बटाने है उसके अंदर, और एक बटाटा है, मतलब आधा किलो सब्जी है वो, ठीक है. उसके अंदर इतना हल्दी धनिया मिर्ची डाल रही हूँ मैं. अब ये इसके अंदर मैं डाल दूंगी अपना ये फ्लावर बटाना, और मैंने इसे बटाटे ऐड कर दिए, ठीक है. मैं सारा कुछ डाल के आती हूँ, एक हाथ से जमेगा नहीं जी. मैंने सारी सब्जियाँ भी इसमें ऐड कर दी, उसके बाद मैं पूरा टमाटर इसमें ऐड कर दूंगी, और फिर मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी. बहुत सिंपल सब्जी है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है. तो देखिए और बताइए कौन कौन मेरी तरह बनाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन कौन मेरी तरह बनाता है, ठीक है. ये तो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है बचपन में ये सारी चीज़ें, तो मैं बस वैसे ही बनाती हूँ, ठीक है. तो अब मैं इसमें थोड़ा सी पानी ऐड कर दूँगी और ढक दूँगी, ठीक है. मैं इसको अच्छे से हिला के आती हूँ. तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सी पानी ऐड करूँगी,
पानी सिर्फ इसलिए ऐड करती हूँ कि जो मेरा हल्दी धनिया मिर्ची है वो जले नहीं, ठीक है। ओके, तो अब मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया और अब मैं ढक दूंगी, ठीक है। अब बीच में एक आध बार मैं इसको हिला लूंगी, बाकी इसको ऐसे ही पकने दूंगी मैं। ओके चलो, अभी तब तक के मैं दूसरी तरफ आटा गूंद लेती हूँ रोटी के लिए। क्या खा रहा है मम्मा? हाँ क्या खा रहा है सोनू? अरे दिखा तो दे, ऐसे अकेले अकेले खाते क्या? कोई दो मुझे, दो मुझे। अल्लाह मेरे को अच्छा नहीं रे बेटा, नहीं तू खा ले, मेरे बच्चे का दिल बहुत बड़ा है। हेलो खा लो खा लो, नहीं चाहिए मम्मी को, तुम खाओ। हाँ ठीक है मेरा प्यारा सा बच्चा। तो देखिए आपने, अभी मैंने भाजी चढ़ाई और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया, भाजी यहाँ बन रही है, चावल यहाँ चढ़ा हुआ है और मैंने आटा गूंदा। देखिए ना अभी आप लोग, मैं आशीर्वाद का आटा निकाल के डब्बे में भर रही थी। मैंने बोली थी ना आप लोगों को कि मैं बताऊंगी आशीर्वाद से रोटी बनाऊंगी तो कैसी बनेगी, वो रोटी जब बनेगी बनेगी। एक बात है, अलग है थोड़ा आटा, बहुत पानी से उगता है। पहली बात तो बहुत पानी, नॉर्मल आटा अपन कैसे गूंदते हैं तो पानी थोड़ा कम, थोड़ा भी पानी डालेंगे तो आटा थोड़ा चिकटपन आ जाता है उसमें, ऐसा मतलब एक दूसरे को पकड़ लेता आटा, है ना, चिकटपन रहता है इसमें। चिकटपन नहीं है, हाथ से छूटता है मतलब आटा, एक साथ गट नहीं बनता एक साथ जल्दी, बहुत पानी पीता है। भारी रोटी होंगी भारी। चलो देखते हैं आज बना के रोटी बताऊंगी जरूर कि कैसी बनती है आशीर्वाद। और उज्मा क्या कर रही है मैं बताती हूँ आप लोगों को। उज्मा और उसके अब्बा वहां बैठे हैं। क्या कर रहा है मेरा बच्चा बताओ, नल्ली खाए तुम? उज्मा क्या कर रहे, खेल रहे? चम्मच से कौन खाता नल्ली? उज्मा इधर देख ले एक बार। अच्छा अम्मी को खिला दे बेटे, चल एक बार। गिर गया और अब पूरा खिला। अच्छा खुद भी हार गए वही ने। चल बस हो गया, मेरी बच्ची का दिल बहुत बड़ा है खाने पीने की चीज के लिए, एकदम लालची चाले नहीं है उसके अंदर, उससे कुछ भी मांगो ना तो दे देती फटाक से। ये देखो खेल रही, चलो 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 खाना बनाएंगे। तो उसका दिल बहुत बड़ा है माशाल्लाह, कोई भी उसको दे बोलेगा ना दे दो मेरे को ये चीज़ बेटा मेरे को चाहिए, दे देती फटाक से वो, उसको कुछ ऐसा नहीं है। चलो चलो फटाफट से, आज ब्लॉग को लंबा नहीं करना है मुझे, ठीक है। अरे वो ब्लॉग लंबा हो जाता है ना तो थोड़ा एडिटिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आजकल की बिजी लाइफ में किसके पास इतना टाइम है कि मेरे इतने लंबे लंबे वीडियो देखेंगे, है ना, सही बोल रही हूँ ना। चलो मैं बना लेती हूँ रोटी, वोटी बना के मिलती हूँ आप लोगों से। भाजी को एक बार चेक कर लेती हूँ ना रोटी बनाने से पहले। एक तरफ चावल चढ़ा है, चावल की भी अभी सीटी हो जाएगी। तो देखो अभी ना आलू भी आधे गल गए, भाजी भी अच्छी खासी गल गई, अब ये पानी को सुखाना है बस, उसमें हमारे वटाने गिटाने सब अभी गल जाएंगे, ठीक है। फिर मैं इसको ढाक दूंगी, नमक आप चेक कर लीजिए फिर से अगर चेक करना है तो। ओके मेरे को भी डालना पड़ेगा नमक, थोड़ा कम है। अयो पानी निकल रहा मेरे कुकर में से, दो मिनट। हाँ आप भी बोली ना कि वो आटा बहुत पानी सोखता, मैंने पहले पॉलिथीन नहीं देखी थी उसकी, पन्नी नहीं देखी थी कि उस पर क्या लिखा हुआ है, मैं अभी देख रही हूँ। एक्चुअली वो पन्नी मुझे इतनी अच्छी लगी ना, मैं बस थोड़ी सी भी जगह होती ना और झाड़ू गाने की तो मैं उसके अंदर कोई ना कोई झाड़ू गा देती कसम से, बहुत अच्छी पन्नी है ये देखो। पर मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं झाड़ लगाऊ तो मुझे ये फेंकना पड़ेगा पन्नी, वो पन्नी पे ही लिखा हुआ है कि पानी बहुत ज्यादा सोख करेगा ये। ये देखिए कैसा दिखाऊ मैं आप लोगों को, ये देखिए सेकंड वाला, अब्सॉर्ब फ्रॉम क्या, अब्सॉर्ब मोर वाटर, मुझे उल्टा दिख रहा है ना मेरे उसमें। देख रहे हो इधर लिखा है, ये देखो अब्सॉर्ब मोर वाटर, है ना। तो ऐसा है मतलब मैंने सही नोटिस की कि पानी बहुत ज्यादा पानी पानी, मतलब जितना भी पानी डाल रहा ना आटा ड्राई, मतलब वो कैसा है ना दरदरा आटा है, दरदरा अपने जैसा बारीक आटा नहीं जैसे हम लोग घर में पिसाते वैसा नहीं है। चलो रोटी, 10 बज गया, मैं सोच रही थी ना कि
सीरियल देख के रोटी बनाती हूँ। मेरी हानिकारक बीवी अभी सीरियल आएगा ना, तो मैं सोच रही थी सीरियल देख के रोटी बनाती हूँ। ठीक है, तो चलो भाजी को एक बार चेक कर लेती हूँ और सीरियल ही देख लेती हूँ। मेरी भाजी पक गई है, बस अब मैं इसमें डाल दूंगी कोथमीर, ठीक है, और इसको अब मैं हिला लूंगी अच्छी तरीके से, मतलब पूरी कोथमीर को मिक्स कर दूंगी उसके अंदर। देखो मुझे ऐसी भाजी अच्छी लगती है, पूरे अक्खे के फ्लावर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते और एकदम पूरे मेल्ट हुए हुए फ्लावर भी नहीं अच्छे लगते, मतलब वो भी मुझे ऐसी भाजी अच्छी लगती है। बस आज दाल वगैरह कुछ नहीं, भाजी के साथ रोटी खा लेंगे और थोड़ा थोड़ा सी चावल खा लेंगे। चावल तो मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता है, मेरी बच्ची और मैं, इसके अब्बा नहीं खाते हैं। तो ठीक है, चलो बंद कर दी मैंने गैस, पक गया खाना फाइनली, रोटी भी पक गई। तो टिप्पणी करते हैं थोड़ा रोटी पे। रोटी माशाल्लाह अच्छी बनी है, आटा अच्छा है, खाली पानी ज्यादा सोखता है लेकिन बनाने में, और फूल भी रही अच्छी खासी रोटी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, सब अच्छा है। ये थोड़ा टेस्ट करके देखो रोटी को, मस्त है, मीठी रोटी, मीठी रोटी मतलब थोड़ी मिठास है आटे में, आटे में थोड़ी सी मिठास है, अच्छा है। अब वो कितने देर तक नरम रहती है, ज्यादा वक्त रहती नहीं रहती मालूम नहीं, वो देख के बाद में बता दूंगी। अभी उसमें यहाँ खेल रही है और हो गया मेरा, मैं अभी उसको खाना खिला दूंगी। खाना खाती है? इधर आ, इधर आ, टाटा करो सबको। इधर आने से फुर्सत नहीं थी देखी थी ना, कुछ नहीं कराटे कराटे उसमें चलते चलते गिर गए। इधर आ, अभी वो अच्छे नहीं हुए पापा, ये देख क्या सोचेंगे अभी लोग, क्या सोचेंगे लोग, हाँ टाटा करो। देखी थी गंदी, देखी थी आंसू तो आया नहीं पापा, जरूर करना। बाकी फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।